मैम 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 यो 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 मैम सेंटर मैम सेंटर मैम सेंटर मैम मैम सेंटर मैम सेंटर मैम वन लुक मैम आपका बैक आ रहा है आपका बैक आ रहा है कायरा मैम कायरा मैम सर 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 एक 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 लुक सर सर वन फोटो सर 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 वन वन सर 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 प्लीज वन फोटो सर राइट राइट सर तैमूर सर सर वन 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 फोटो मैम राइट राइट मैम राइट 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 यहां पे राइट मैम मैम रेखा जी क्या बात है क्या बात है मस्त है एकदम नहीं मैं एक्चुअली ना अभी पिछले कई सालों से ना कोमा में था तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है अब मेरे को भी आइडिया नहीं है मैं एक्चुअली जस्ट कल नहीं मेरे घर वाले से मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो पाया मतलब मैं अकेले कोमा में था मैं आई थिंक 10 साल तो लगभग था कोमा में तो मेरे को आइडिया नहीं है मेडिकल रिपोर्ट हाँ वो सब मैं पढ़ा लेकिन कुछ समझ में तो आना चाहिए मेरे को याददाश्त ही नहीं है मेडिकल रिपोर्ट जॉइनिंग डेट असल था ना दस साल हो गया और तुम्हारा कोई रिलेटिव वगैरह कोई नहीं वो अभी मेरे को ढूंढना है मैं वही अभी एक मैंने बंदे को कॉल किया जो मेरा कोई नहीं आया उधर अरे मेरा बात तो सुनो तो मेरे को नंबर दिया मेरे हॉस्पिटल के लोगों ने कि आपके ये है रिश्तेदार लोग तो उनमें से एक मेरा भाई करके उसको मैं आज मिलने यहाँ पे आया हूँ वो भी आने वाला बहुत कुछ बदल गया अभी अच्छा आज का अपना वर्ल्ड कप चालू है ना वर्ल्ड कप में ये अपना सचिन ने कितना बनाया अभी आज सचिन तेंदुलकर ने कितना अच्छा तो द्रविड़ ने कितना क्या बात कर रहे हो धोनी ने कितना धोनी भी करके था क्या बात कर रहे हो यार कौन है अभी नया अभी जन्म लिया तुमने अभी तो क्या यार भाई मैं इधर खड़ा हूँ एक बाइट भी ऑफर नहीं किया आपने मुझे मैं इधर खड़ा हूँ कब से आपको देख रहा हूँ यार पहचाना नहीं आपने मुझे आप मुझे पहचानते नहीं हो बट मैं ऐसे जस्ट रैंडमली खड़ा हूँ तो ऐसे मेरा ध्यान नहीं आपने अभी देखा ना मुझे ऐसे देख के एक बाइट मारा नहीं मैं बोला यहाँ पे बस ऐसे मैं रैंडमली खड़ा था तो एक बाइट तो ऑफर कर सकते थे ना जस्ट ऐसे ही सबको देना पड़ेगा ना नहीं नहीं सब लोग नहीं मैं ही अकेला खड़ा हूँ ऐसे ही नहीं 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 मैं ले सकता हूँ मैं तो आप देता हूँ अरे नहीं ऐसे बोलने के नया लेंगे पर नहीं नहीं नया नहीं मैं नया अरे भाई मैं नया ले सकता हूँ अरे नहीं 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 मैं नया ले सकता हूँ पहले आप गले मिलो मुझे यार इतना आप भाई तेरे लिए कुछ नहीं अरे थैंक यू दादा एक वर्ड का मतलब पूछना था आपको आपको पता रहेगा क्या हस्त मैथुन हस्त मैथुन हस्त मैथुन हाथ से करने का क्या हाथ से करने का मतलब जो यूनिट है ये हाथ से करने पानी निकालने का उसको हस्त मैथुन मतलब सुसु सुसु करने का सुसु नहीं यार वीर्य निकालने का वीर्य वीर्य मतलब क्या आपको बोलने का सुसु करते जो हाथ पकड़ के सुसु करते नहीं नहीं जो संभोग कर दे रहा बस सेक्स संभोग करने के बाद जो निकलता है बाहर उसको वीर्य बोलते हैं स्पर्म हाँ अच्छा वो आगे समझो तो वो लेडीज नहीं है सामने तो हाथ से कर रहे उसको हस्त मैथुन बोलते हैं अच्छा मतलब अपना हाथ जगन्नाथ वाला जो ओके 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 जबरदस्ती वो हेमा मालिनी करता है जबरदस्ती हेमा मालिनी को देख के जो अभी यहाँ पे स्टार सिटी पे दृश्यम देख के दृश्यम देखा आपने वन देखा है टू नहीं देखा है बहुत सही है अब भी देख के आया मैं हाँ स्पॉइलर में देखना इतना अच्छा नहीं लगता मेरे को समीर समीर जो मरा हुआ है वो मरा ही नहीं है हाँ और तब्बू को भूत दिखा है हाँ वो जो छोटी बच्ची रहती है ना वो बताती हूँ वो भी मर जाती है उसको किडनैप करती है तब्बू और किडनैप करते हुए उसकी डेथ हो जाती है और फिर तब्बू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती तो सुसाइड करती है उसका भूत आता है बाद में हाँ देखो देखो मैंने तो आपको बता दिया स्पॉइलर सब फिर भी देख पाओगे ना आप हाँ नहीं है
तो फिर अभी फाइन भरना पड़ेगा या फिर पनिशमेंट देना पड़ेगा? डोंकी का आवाज आता है आपको, वो 5 बार निकाल के दिखाऊं मैं। हाँ कोई नहीं है, कोई ऐसे सजा की है तो की है, उसमें क्या सजा की है? तो संजय लीला भंसाली जो है ना, हाँ हाँ, उनके टीम में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब इंटरेस्टेड रहेंगे क्या ऐसे? हाँ, एक्टिंग वैक्टिंग में जी जी, हाँ बिल्कुल। वो छोटा सा मेरे को दिखा सकते हो क्या करके ऐसा? तो यहाँ खड़े होके कर ले, उधर आगे किधर? हाँ चलो ना, वहाँ पे छाया में चलो ना। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए। अरे थैंक यू मत बोलिए, आपके कितने एहसान है हमारे ऊपर, और मुसीबत में तो लोग गैरों की भी मदद करते हैं, फिर आप तो हमारे अपने हैं। आप भले हमको चाहे गुंडा बदमाश मवाली कहें, लेकिन हम दिल से आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हाय गाइस, कैन आई सी योर आईडी? या राशन कार्ड विल बी प्रेफरेबल एक्चुअली। 2007, you are actually underage. 2016. You're 16? Oh, so I'm sorry, I don't think I can let you in because there's... No, they changed it, you know, I don't know if you saw their announcement, they changed the date, the age limit to 18 actually. So, I think you'll have to go back. It says 16, that's how it is. No, no. For the last night, like the tickets last night. Yeah, so they actually announced it this morning. 18 below, whoever is there, their money has been refunded. I don't know if you got the refund to your... You didn't? Oh. Then I'll have to check, but I don't think I can let you in. How will I go alone? I'm sorry. बोलने के लिए शायद हूँ, मैं पे कर दूंगा, आप सिर्फ बोल दो, ना प्लीज। I know, but it's my first time, so it's a bit awkward for me. आप एक बार बस बोल दो, मैं फिर उसके बाद बोल दूंगा। अरे यार अंकल, ऐसे आई नो, इफ यू कैन कम इनसाइड विद मी, जस्ट वो मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। अरे यार थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। आई एम रियली, आई स्टार्ट शिवरिंग व्हेन आई गो इनसाइड, दैट्स द थिंग। या मैन, थैंक यू। नो, दे थोड़ा, no, they're all men, but still there's a lot of crowd, na? Customers काफी है। So welcome to my vlog, guys. Welcome. आज हम लोग आए हैं लंदन, और लंदन का बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे अभी तक मैंने जो अपना लंदन आया है वो देखा नहीं है। यहाँ पे एक पार्क है सी साइड पे, वहाँ पे हम लोग व्लॉग कर रहे हैं। लंदन आके अभी तक मैंने 2-3 जगह एक्सप्लोर किया है, वैसे बहुत कुछ देखना बाकी है। काफी लोग हैं यहाँ पे, there's a lot of crowd, and अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है लंदन में। द पीपल आर ऑल्सो वेरी नाइस। इफ आई गाइज, कैन यू जॉइन, दिस इज फॉर माई यूट्यूब चैनल। सो मैं या सो वी आर इन लंदन, ओके। अगर टॉयलेट एकदम जोर जोर से जाना हो ना, तो बिंदास हंगामा कर दो, पर पैंट में कभी मत होगा। अगर जोर की सुसु शीशी आ रही है ना, तो जो बिंदास हंगामा कर दो, पर पैंट में कभी मत करो। कौन कर रहा है? बोल रहा हूँ, बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, अभी बहुत लाइफ बचा है ना आपका, तो लाइफ में पैंट में कभी मत करो। पैंट में कौन करता है? हाँ मैं बस बोल रहा हूँ। दादा ये घोड़ा वाला घोड़ा बट कितने गार्डन्स में? पांच गार्डन्स। और यहाँ पे पांडू का नहीं? ठीक है, फाइन भरो दादा, फाइन 50 रुपये, 50 रुपया फाइन भरना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पार्क में चप्पल बैन किया है,
चप्पल पहन के आ नहीं सकते, आपको शूज पहन के आना पड़ेगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट से हूँ। आपका नाम क्या है? ये रूल अभी पिछले हफ्ते से लागू हुआ है। मैं ड्राइवर है भाई। बट आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपका चप्पल पहना है, शूज और शूज थोड़ी है यार। अरे अभी लास्ट वीक इशू किया रूल। आपका आईडी की तो आपका ये पावती थोड़ी रहता है बीएमसी का। पावती अभी नया रूल है इसलिए। पावती नहीं तो मैं कैसे दे सकता है? अभी नया नया रूल बना है दादा, तो मेरे पास वो पूरा ये नहीं है, मेरा पावती और लेटर क्या बोलते हैं लेटर मार्क नहीं है, बट मैं स्टेट गवर्नमेंट से हूँ। आपका नाम बताओ मुझे। शरद। शरद। मराठी है का तुम्हें? मराठी से। हाँ जा 50 रुपये दे। कौन बोल रहा? मैं तो मैं वो देतो ही तो। अरे हाँ दादा, आता शिवाजी पार्क मध्ये तुम्ही तुमचे एक कमिटी है, माहिती आहे का तुम्हाला? एक कमिटी है शिवाजी पार्क का, वहाँ पे 50 रुपीज फाइन इशू किया है फॉर दोज हु कम विदाउट शूज। मैं स्टेट गवर्नमेंट से आया हूँ। मैं तो पहली बार सुना है भाई। दे दो चलो 50 रुपीज। नहीं दे सकता भाई। देना पड़े आप रूल का आप उल्लंघन करता है तुम्हें। उल्लंघन कायद्याचं उल्लंघन। अरे भाऊ मी डेली येतो इथं, पोराला घेतं क्रिकेट आणतो मी, ते शूज घालून खेळतात ना म्हणून त्यांना फाईन नाही केलं। थोडी ते तुम्हाला पण शूज घातले पाहिजेत ना दादा। जीपे पण कसं तुम्ही जीपे नंबर सांगू का? नाही नाही मी चौकीला येतो वाटलं चला तुमच्या सोबत। चौकी असे दूर आहे नाही तो आम्ही जातो। मला माहिती आहे चौकी इथंच आहे। मी पहिल्यांदा ऐकले भाऊ। फर्स्ट क्लास आहे। आपको पता नहीं बस ऐसे रैंडम भी ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ। ये क्या बहुत पुराने डायलॉग हो गए? अच्छा ज़्यादा मत मारना किसी के सामने। नहीं नहीं दादा मैंने कईयों को पिटते भी नहीं देखा, ऐसे पूछते ना दूसरा बता भी देता। I am actually looking for some company to watch Barbie. Have you guys seen Barbie movie? None of my guy friends want to go. You want to see? Just यहाँ पे theater है, so I just thought I'll. Thank you. No? Okay. मैं पूछ रहा था आप Barbie देखने चले हो क्या मेरे साथ? Barbie देखने? क्यों? चलो मैं निकलता हूँ टिकट। नहीं नहीं। अरे चलो ना, मेरे पास कंपनी नहीं है यार। फ्री टूर गाइड चाहिए आपको? नहीं भाई। फ्री फ्री कोई एक रुपया नहीं लेंगे, फ्री का इन्फॉर्मेशन देंगे। आप कहाँ से हो सर? हम पंजाब से। पंजाब से? अरे क्या बात है सर। सो ये तो पता ही होगा आपको, इंडिया गेट, ताज होटल। तो इसमें आपको पता है वो वाह ताज, वो जाकिर खान, तो जाकिर खान के लिए यहाँ पे एक प्राइवेट रूम फॉर एवर बुक्ड रहता है क्योंकि ताज। ठीक है, जैसे आपको पता है हम कहाँ पे खड़े हैं ना, इंडिया गेट है ये। क्रैक दिख रहा है वहाँ पे आपको, तो उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट इज ऑलमोस्ट अराउंड 50 करोड़ रुपीज। ये अनलकी टाइल मतलब ऐसा है, तो इसपे सेल्फी लेके ना लोगों को स्पिरिट विरिट भी दिखा है उनके सेल्फीज में। तो यहाँ से एक बोट जाता है अलीबाग जाता है, एक जाता है चेन्नई, एक जाता है दुबई और एक जाता है सीधा रशिया। काला पेंट इंडिया में सबसे पहले इम्पोर्ट होके ये पिलर पे लगा था। कुछ ज्यादा ही धूप है आज, बट किधर है बाकी पब्लिक? बाकी पब्लिक किधर है? बाकी पब्लिक? अरे बाकी लोग आ रहे थे ना अपने, राकेश और विजय और संजय। दिखता ही नहीं, नहीं दिखते? मेरे को तो बोला था आज यहाँ पे सब मिलने वाले हैं, हम दोनों ही टाइम पे आए लगता है। आएंगे आएंगे ना। कैसे है बाकी घर पे सब? ऑल गुड। परसों का अपना हो जाना चाहिए था लेकिन चंद्रकांत के घर पे मैच का लास्ट डे उधर उसके घर पे देख सकते थे ना, मस्त बियर पीते। प्लान होता रहा तो सही रहता था। नहीं तो बहुत टाइम हो गया सबको मिले हुए, मतलब आई थिंक चंद्रकांत को तो आई थिंक 2 हफ्ते से मिला नहीं हो। हम लोग कभी आई थिंक लास्ट टाइम जब भी उधर मिले थे अपना थाने में, तभी वो था क्या चंद्रकांत? मान ले मैं भी इतना पहचान था नहीं तुम। मैं भी नहीं इतना पहचान था। क्या बात कर रहे हो? अरे सच्ची बात कर रहे हैं तो बात करता मैं। अरे ऐसे क्या है, हम लोग इतना अच्छा पहचान है, हम लोग का ग्रुप था यार। नहीं, मैं इधर थोड़ी रहता हूँ।